नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि भारत में खेती के दो ही मौसम होते हैं, एक रबी का, दूसरा खरीफ का। ऐसे में रबी की खेती में और खरीफ की खेती में आपको बहुत समय देना पड़ता है। खरीफ की खेती की पूर्व तैयारियाँ ही रबी की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। और किसान भाइयों, यदि रबी की फसल को भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम पुनः हाजिर है एक खेती से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। सौर ऊर्जित बाड़ करेगी फसल सुरक्षा, सोयाबीन में कीट रोग नियंत्रण, फसल अनुसार करें उर्वरकों का चयन, अजोला सर्वोत्तम पशु आहार, टमाटर को सड़न रोग से बचाएं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय वनों के पास बसे गांवों के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी फसलों को जंगली पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग या सौर ऊर्जा से बाड़ लगाई जा रही है। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा RKVY योजना अंतर्गत एक विस्तृत पायलट प्रोजेक्ट ऊर्जा विकास निगम की ओर से तैयार किया गया है, जिसे वन विभाग के माध्यम से कार्यरूप दिया जा रहा है। संचालक कृषि मोहन लाल मीणा द्वारा बताया गया कि प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर शुरू किए जा रहे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वन्य क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी किसानों की फसलों को संरक्षण देना है। वन्य जीवों से कई बार इतनी अधिक फसल क्षति होती है कि स्थानीय किसान उस क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। ऐसे में सोलर फेंसिंग वन्य प्राणियों जैसे नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण आदि को बिना नुकसान पहुंचाए सचेतक का कार्य करेगी। प्रारंभिक रूप से सोलर फेंसिंग का प्रयोग बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यानों से लगे उमरिया मंडला जिलों के उन चयनित ग्रामों में किया जा रहा है जहाँ वन्य पशुओं को सर्वाधिक फसल क्षति होती है। प्रत्येक ग्राम में आवश्यकता अनुसार यह फेंसिंग लगाई जाएगी। सोयाबीन में इल्ली एवं रोगों से ज़्यादा हानि होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सोयाबीन के मुख्य कीट एवं उनके प्रबंधक के लिए खेत में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करने की सलाह दी है। इल्ली के जैविक नियंत्रण हेतु ब्यूवेरिया बेसियाना 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। सोयाबीन में पीला मोजेक रोग विषाणु द्वारा होता है। पत्तियों पर पीलापन इधर उधर छितरा हुआ होता है। पीला मोजेक रोग के नियंत्रण हेतु बीज को थायमीथाक्सम 70WS से उपचार या प्रकोप की शुरुआती अवस्था में फसल पर थायमीथाक्सम 25WG का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। खादों का चयन भी मिट्टी के शत pH के हिसाब से करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन की अमोनिकल खादें जैसे कि अमीनियम सल्फेट या अमीनियम क्लोराइड का प्रयोग अम्लीय भूमि में नहीं करना चाहिए, वहाँ नाइट्रेट खाद का प्रयोग कर इसकी दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अब अगर फास्फोरस की बात करें तो इसकी दक्षता मात्र 15-20% है। इस तत्व की मिट्टी में फिक्रोसन की समस्या है, अतः अम्लीय भूमि में फास्फेट डाइकैल्शियम फास्फेट जैसे कम घुलनशील खादों के प्रयोग से खादों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। नाइट्रेट युक्त नाइट्रोजन खादें अधिक घुलनशील और भूमि में अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए अधिक नमी होने पर इन खादों के पानी में बह जाने से इनकी क्षमता कम हो जाती है। अजोला पानी में पैदा किया जा सकने वाला पशु आहार है और इसे बेहद आसानी से उगाया जा सकता है। दरअसल अजोला पानी में तैरने वाली एक फर्न है। पानी में इसकी पैदावार तेजी से होती है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे मच्छर फर्न या बतख बीड़ के नाम से भी जाना जाता है। जैविक खाद व पशु आहार संपूरक के रूप में अजोला का महत्वपूर्ण स्थान है। अजोला जैविक खरपतवार नाशक के रूप में काम करता है। यह मिट्टी की सतह में प्रकाश को घुसने से रोकता है। इससे धान के खेतों में जलीय खरपतवार की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। अजोला में पौष्टिकता भरपूर होती है। पौधा बहते पानी से पौष्टिक तत्व अवशोषित कर लेता है तथा इन्हें पौष्टिक पदार्थों को फसल के लिए उपलब्ध करवाता है। अजोला को सुअर, बतख, पोल्ट्री फार्म व गाय भैंस के खाने में प्रयोग में लाया जाता है। टमाटर का फल सड़न रोग। इस रोग का संक्रमण सामान्यतः कच्चे एवं हरे फलों पर दिखाई देता है। प्रभावित फलों पर हल्के व गहरे भूरे रंग के गोलाकार चट्टे धब्बे दिखाई देते हैं जो हिरण की आँख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल प्रायः जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं। ये सड़े फल रोगजनक फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को बढ़ाते हैं। इसके लिए प्रबंधन को पौधों की लकड़ी व तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15-20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ देवें। जल प्रबंधन उत्तम रखें एवं अतिरिक्त पानी के निकास को सुनिश्चित करें। रोगग्रस्त फलों को एकत्र कर नष्ट करें। खरीफ या वर्षा के मौसम में संक्रमण की पूर्व ही मेकोजेब या कापर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की छिड़काव करें।
फसल लगने पर मेटालेक्सिल मेकोजेब या कार्बोडाजिम मेकोजेब 2-5 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। खबरें खेती की में बस आज इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जियों में समय रहते किस प्रकार के सामयिक कार्य आपको करने चाहिए, कीटों से कैसे बचाव करना चाहिए, समय रहते उनका मौसम अनुकूल कैसे कैसे रखरखाव करना चाहिए, आज के हमारे विशेषज्ञ उपेश कुमार जी आपको बताएंगे कि सब्जियों में सामयिक कार्य कैसे किए जाएं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि खरीफ का मौसम है, बहुत अनुकूल होता है हर प्रकार की खेती के लिए, हर प्रकार की चीज़ों के लिए। यहाँ पे जो छोटे काश्तकार हैं या बड़े काश्तकार हैं, जो सब्जी उत्पादक किसान है खासकर, वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अनुकूल मौसम होता है, सब्जियों में उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ सब्जियों की बात करते हैं, तो जो मौसम पोषक पथल की बढ़वार के लिए अच्छा होता है, उपयुक्त होता है, जिसमें मौसम पर पौधा अच्छा विकास करता है, बढ़वार करता है, इसके साथ साथ इस मौसम में कीड़े बीमारी का प्रकोप भी ज़्यादा हो जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन कीड़े बीमारी का प्रकोप अगर हम सुरक्षित समय पे रोकते हैं, तो उस चीज़ की बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। अन्यथा होता क्या है कि जब कीड़ा बीमारी सब्जी को ग्रसित करता है, प्रकोपित करता है, तो उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है, तो बाजार मूल्य भी कम हो जाता है और उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। तो आज मैं मुख्य बात करता हूँ खरीफ फसलों के, जो हमारी सब्जियाँ होती हैं, चाहे बैंगन की बात करें, भिंडी की बात करें, मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, ये बहुत सारी सब्जियाँ हमारी खरीफ ऋतु में आती हैं जो किसान भाई उगाते हैं। बैंगन पे इस समय, इस ऋतु पे बहुत महत्वपूर्ण कीट लगता है। बैंगन की बात करें, टमाटर की बात करें, भिंडी की बात करें, जिसे हम तना भेदक कीट कहते हैं, जो तना खाता है, तना या फल भेदक भी कीट इसके नाम से जानते हैं कि तने, अगर बैंगन की बात करें तो तना फल भेदक कीट, या टमाटर की बात करें तो फल भेदक कीट, इसमें इल्ली होती है किसान भाइयों। तो इस इल्ली क्या है कि तने को खाती है। अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन का पौधा अगर उसी ऊपर वाली कली मुरझाई हुई लटकी हुई दिखाई दे, तो ये मान लीजिए कि उसमें इल्ली का प्रकोप हो चुका है। प्रबंधन के लिए आवश्यक है किसान भाइयों कि हम जब भी इस कीट का प्रबंधन करें, तो सबसे पहले चाहे बैंगन की बात करें, भिंडी की बात करें, टमाटर की बात करें, जो रोग ग्रसित फल हैं या पौधे का तना है, उसको काट के पहले नष्ट करें। इसके उपरांत कोई भी दवा, चाहे प्रोपेनोफास 50 cc की 400 ml मात्रा, 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करेंगे, तो इस कीट का प्रबंधन होता है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो मिर्च में रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत गंभीर होता है। रस चूसक कीट करते क्या हैं कि पौधे का रस चूसते हैं, पत्तियाँ उखड़ जाती हैं, उत्पादन सीधा सीधा प्रभावित होता है। दूसरी चीज़, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इन कीटों के कारण, कि ये कीट विषाणु जनित रोगों का संचरण भी करते हैं, और वो विषाणु जनित रोग कारण फसल का उत्पादन सीधा सीधा कम हो जाता है। तो हमारी फसल सुरक्षित रहे, इन कीटों का प्रकोप कम हो, इसलिए आवश्यक है कि हम समय समय पर
जो हमारे चाहे नीम आधारित कीटनाशक की बात करें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जो हमारे केमिकल हैं, रासायनिक दवाएं हैं, इनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर नीम आयल की बात करें तो जो 1500 ppm का है, 500 ml मात्रा एकड़ के दर से पर्याप्त है। यहाँ पे रासायनिक दवाओं का अगर मैं बात करूँ तो हम इमडा क्लोरोपीट 70.8 SL का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी 50 ml मात्रा एकड़ के दर से उपयोग करें, या थायोमिथाग्जाम जो कीटनाशक है 25 WG का आता है, इसका उपयोग करें तो इससे भी कीट का प्रबंधन होता है। ऐसे अगर बात करें रोगों की, तो इस समय जब हम नर्सरी की तैयारी करते हैं, चाहे प्याज की बात, खरीफ प्याज की बात करें या टमाटर की बात करें और मिर्च की बात करें, बैंगन की बात करें, तो पौधों को जैसे ही नर्सरी में डालते हैं तो पौधों में अंदर से गलन शुरू हो जाता है। जब गलन शुरू हो जाता है तो पौधा अपने आप से सूखता है, मुरझाता है और नष्ट हो जाता है। या नर्सरी से जैसे ही इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, खेत में लगाते हैं, तो ज़मीन से जड़े हुए भाग में गलन शुरू हो जाता है पौधे के तने पे, और पौधा अपने आप से हरा पौधा गिर जाता मुरझा के। तो इसकी रोकथाम किसे बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। इसकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो कीटनाशक फफूंदनाशक है, इसकी हम 30 ग्राम मात्रा एक पंप में, जो हम नैपसैक पंप है, हाथ वाले से संचालित पंप है, 30 ग्राम मात्रा एक पंप में मिला के, या एकड़ की बात करें तो 300 ग्राम मात्रा एकड़ की दर से इसका इस्तेमाल हम सुनिश्चित करें, तो इससे इस कीट का प्रबंधन होता है। अगर यहाँ पे तीसरी अगर बात करें कीटों के ही साथ साथ या रोगों के साथ साथ, तो एक गंभीर समस्या इस टमाटर के साथ साथ मिर्च भट्टे पे जो आती है, वो आती है कि इसमें जो पत्तियाँ हैं टमाटर की भी सिकुड़ जाती हैं, चूड़ा मूड़ा बनता है, मिर्च में भी बनता है और कद्दू वर्गीय सब्जियों में बनता है, जो विषाणु जनित रोग है। अब ये रोग भी वही जो रस चूसा कीट है उन्हीं कारण फैलता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है, अगर मिर्च की बात करें चूड़ा मुड़ा की रोकथाम के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम बीज को, चाहे टमाटर का हो, मिर्च का हो, भिंडी का हो, बीज उपचार आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। जो थायोमिथाग्जाम 70 WS कीटनाशक है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है, इसके मान से बीज उपचार करें। जब इसका पौधा हम ट्रांसप्लांट करें, रोपा लगाएं, उस अवस्था में पौधों की जड़ों को इसी कीटनाशक में इमिडा क्लोरोपीट को हम ले सकते हैं या थायोमिथाग्जाम को ले सकते हैं। इसमें 10 से 15 मिनट के लिए इस कोहल में इसको डुबो दें, और जब इसका रोपा हम लगाते हैं, उससे पहले खेत की तैयारी के समय, जिस खेत में हम रोपा लगाने जा रहे हैं, वहाँ पर हम 12 से 15 किलो कार्बोफ्यूरान जो कीटनाशक आता है, इसको डलवा दें और पीछे से मिक्स कप करा दें। जब मिक्स कराते हैं तो रस चूसक कीटों का प्रकोप जो होता है वो अपने आप से कम हो जाता है। और खड़ी फसल पे जब पौधा फूल अवस्था से पहले, दो छिड़काव हम अंतरपाई कीटनाशकों कर सकते हैं, चाहे वो इमडा क्लोरोपीट की बात करें या थायोमिथाग्जाम की बात करें। इन कोई भी दवाओं का एक का उपयोग हम करें और दूसरी बार बदल के उपयोग करें, तो इन कीटों का प्रकोप अपने आप से समन्वित प्रबंधन होता है, उपयोग होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो मैं पहले फल भेदक कीट की बात कर रहा था, टमाटर पे जो फल भेदक कीट लगता है, बैगन पे लगता है, तो टमाटर फसल पे जब भी हम रोपा लगाएं, अगर हम 16 लाइन टमाटर के लगाने के बाद 1 से 2 लाइन गेंदे की अगर लगा दें, तो जो इल्ली टमाटर में अंडे दे रही है, फूल कीड़ा टमाटर में बनने वाला है, वो गेंदे में आकर्षित होता है और इल्ली अपना अंडा जो है गेंदे में दे देती है। अब गेंदा उस इल्ली का भोजन नहीं है, जैसे अंडे से इल्ली निकलती है, भोजन नहीं मिलता, अपने आप से वो इल्ली खत्म हो जाती है। तो एक समन्वित प्रबंधन की बात कर सकते हैं, इसका उपयोग करें। जहाँ तक किसान भाई सब्जियों की बात है, दवाओं का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ध्यान दें कि दवाओं का जो बीटिंग पीरियड है, एक प्रतीक्षा अवधि है, वो आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। अन्यथा आज हम दवा डालते हैं, कल अगर हम उसको सब्जी बाजार में जाते हैं, तो जो भी उपभोक्ता होता है उसको क्षति पहुंचती है, उसको स्वास्थ्य में नुकसान होता है। आवश्यक है कि जो अनशंसित वेटिंग पीरियड है, अनशंसित प्रतीक्षा अवधि है कीटनाशकों के आधार पर, उनके आधार पर हम उनकी तुड़ाई करें। तो इसलिए आवश्यक है कि जब हम दवा डालें, उससे पहले सब्जी को तोड़ लें, और तोड़ने के बाद 2 से 7 दिन का समय हम दें, 2-7 दिन के बाद अगली सब्जी आएगी, उसको तोड़ के बाजार ले जाएंगे, तो उसका रेट भी अच्छा प्राप्त होगा, जो उपभोक्ता उसको उपयोग करेगा उसके शरीर पे भी उसके अवशेष प्रभाव नहीं जाएंगे, वो भी तंदुरुस्त होगा, हमारी खेती से हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, गुणवत्तापूर्ण सब्जी बाजार में जाएगी और अच्छा आमदनी हमें प्राप्त होगी। मेरा मानना है कि किसान भाई इन बातों को अपनाएगा और अपनी खेती पे सब्जी भाजी में कीड़ बीमारी को समय से सुरक्षित रखेगा, उनसे मुक्त रखेगा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करेगा, जिसका बाजार मूल्य भी अच्छा प्राप्त होगा और उससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है, और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्वार की फसल एक खरीफ की फसल है। ज्वार की फसल को मिश्रित रूप से या स्वतंत्र रूप से बोया जाता है, और ज्वार की फसल प्रारंभ में तो धीरे धीरे बढ़ती है, इसीलिए इसमें खरपतवारों से बचाव अति आवश्यक है। साथ ही ज्वार की फसल को पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर आवश्यक है। आज ज्वार एवं मक्का के समसामयिक कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामेश्वर पटेल जी, जो आपको ज्वार एवं मक्का के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में मानसून जो आया है जून के लास्ट वीक में आया, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून सक्रिय हुआ, जिसके फलस्वरूप अधिकांश किसानों ने जून के लास्ट वीक में मक्का की और ज्वार फसल की बोनी की है। अभी तक जो ज्वार की स्थिति है, पानी जो शुरुआत जो ज्वार की फसल में मक्का की फसल में पानी कम चाहिए, तो उसकी वजह से कम पानी जैसा पानी गिरा जैसा चाहिए किसानी फसल को, उस हिसाब से पानी गिरा है। और अब जो किसान भाइयों के लिए अंतर्गतन की क्रियाएँ जैसे नीना नियंत्रण है या खरपतवार नियंत्रण है, उसके बारे में किसान भाइयों को अभी उपयुक्त समय है उनके लिए कि वो अपना एक तो हैंड वीडिंग जो होती है 15 दिन और 20 दिन के अंतर पे वो कर लें, उसके बाद डोरा जो है 20 से 25 दिन के अंतर पे एक डोरा चला दें, उसके बाद 35 दिन के आसपास दूसरा डोरा, अगर पानी बतर होती है खेत में तो दूसरा डोरा वो चला दें। अच्छा, इसमें एक सावधानी ये रखना है कि हैंड वीडिंग जब करता है किसान भाई करें, उस वक्त जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्लांट पॉपुलेशन, प्रति हेक्टर पौधों की संख्या, जिसमें ज्वार में किसान भाई प्रति हेक्टर 150,000 से लेकर 160,000 पौध संख्या निर्धारित करें। अधिक मात्रा में अगर पौधे हैं तो उनकी छनाई करवाएं। इसी पर अगर मक्का में 70,000 से लेकर 80,000 पौधे प्रति हेक्टर रखे जाते हैं, तो उसमें अगर अधिक मात्रा में पौधे हैं उसमें तो उनकी छटाई करें। पटेल जी, जो खड़ी फसल में हम खाद देते हैं ज्वार एवं मक्का में, जिसको कि हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, उसके बारे में किसान भाइयों को कुछ जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, जैसे कि इसमें रासायनिक उर्वरक की मात्रा जो लगती है ज्वार में और मक्का में, लगभग जो सिफारिश मात्रा है बराबर है, उसमें 100 किलो नाइट्रोजन की मात्रा, 60 किलो फास्फोरस की मात्रा और 40 किलो पोटास की मात्रा दी जाती है। उसमें से आधी मात्रा नाइट्रोजन की और फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा जब किसान भाई बोनी करते हैं उस वक्त उसको बेसल डोज में पूरी मात्रा देना चाहिए। इसके साथ में खेत की जो तैयारी होती है अंतिम बखरनी या बुआई के पहले 15 से 20 गाड़ी कंपोस्ट खाद भी देना चाहिए। अभी जो समय है 30 दिन के आसपास, जब घुटने की स्टेज में ज्वार या मक्का आ जाती है, तब जो नाइट्रोजन की बाकी मात्रा बची है 50% मात्रा जो नाइट्रोजन की 50 किलो, वो अभी जब डोरा किसान भाई डोरा चलाते हैं डोरे के साथ में, वो उसकी मात्रा पूरी उनको देना चाहिए। पटेल जी, पौध संरक्षण उपायों के बारे में, जैसे कोई रोग हैं, खरपतवार हैं, खरपतवारों के बारे में तो आपने जानकारी बताई, रोग हैं जो कीट लग रहे हैं ज्वार मक्का में, उसके बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में किसान भाइयों को थोड़ी सी जानकारी दे जाए।
किसान भाइयों, रासायनिक जो इस खाद के साथ साथ अगर मक्का की और ज्वार की भरपूर पैदावार किसान भाइयों को चाहिए तो इसमें पोषण संरक्षण उपाय भी अपनाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ज्वार में जो मुख्य कीड़ा है या जिससे बहुत अधिक प्रकोप ज्वार की फसल को होता है, उत्पादन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर जैसे तना छेदक मक्की का प्रकोप अधिकांश ज्वार की फसल में हो आता है और मक्का की फसल में आता है। इसमें अगर वो इसकी पहचान ये है कि उसमें अर्ली स्टेज में या बाद में वो एक डेड हार्ट बना देता है, जिसमें किसान भाई अगर उसको पकड़ के देखते हैं, पोंगली को ऊपर से उठाते हैं तो उसमें वो उसकी पोंगली हाथ में आ जाती है, ये पहचान है। उसकी फ्लैग लीप जो होती है, ऊपर वाली लीप्स होती है, वो सूख जाती है उसमें। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई भी आपका कार्बोफ्यूरान है या इंडोसल्फान है, चूर्ण है उसका, वो चाहिए। इसमें ज्वार की फसल के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा लगती है और मक्का में 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा लगती है। एक पोंगली में कम से कम 5 से 7 दाने वो पोंगली में डाल देते हैं तो इससे काफ़ी अधिक रोकथाम हो जाती है। यही मुख्य कीड़ा है जिससे कम से कम ज्वार या मक्का की फसल को 25% तक नुकसान हो जाता है। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम पूरी आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप हमसे पत्राचार करना चाहते हैं, अपने कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।